एक बार की बात होती है, लिटिल सिंघम और डिटेक्टिव राहुल एक रास्ते से जा रहे होते हैं जो कि बहुत ही सुनसान होता है। वह थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वह ये क्या देखते हैं, वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। वह ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि इतने सुनसान रास्ते में ये लाश कैसे पड़ी है। तभी वह जो है वहाँ पर लड़की का फ़ोन रखा होता है, वह उसे उठाते हैं और उस पर फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि हमें यहाँ पर लाश मिली है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। तो जो है बद्रीनाथ बोलता है कि मैं उसका हस्बैंड बोल रहा हूँ, सर ये कैसे हो गया, मैं जल्दी से उधर पहुँच रहा हूँ। और ये कहकर डिटेक्टिव राहुल के पास जो है उसका हस्बैंड बद्रीनाथ जल्दी से पहुँच जाता है। वह वहाँ पर जब पहुँचता है तो तभी डिटेक्टिव राहुल उसको बिना कुछ बोले हथकड़ी पहना देते हैं और बोलते हैं यू आर अरेस्टेड, तुमने ही अपनी वाइफ का मर्डर करा है। लेकिन डिटेक्टिव राहुल ने ऐसा क्यों कहा, डिटेक्टिव राहुल को कैसे समझा कि बद्रीनाथ ही इमली का मर्डरर है, क्या दोस्तों आप मेरे को बता सकते हैं? आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है, ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और हाँ दोस्तों अपना आंसर कमेंट करना ना भूलिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि डिटेक्टिव राहुल को कैसे समझा कि बद्रीनाथ ही उसकी वाइफ इमली का मर्डरर है। तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि डिटेक्टिव राहुल ने कहा था कि आप जल्दी से इधर आ जाइए, हमें एक सुनसान रास्ते पे आपकी वाइफ का मर्डर हुआ मिला है। लेकिन बद्रीनाथ ने बिना लोकेशन पूछे वहाँ पर वह कैसे पहुँच गया, तो यही बात डिटेक्टिव राहुल को समझ आ गई और वह उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों डिटेक्टिव राहुल और लिटिल सिंघम के इस मस्त दिमाग के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अब आपको मेरे को यहाँ पर देखकर बता रहे हैं कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है। आपके पास सोचने के लिए 5 सेकंड है। तो इधर तो ऑड वन आउट ये वाला है, तो क्या आपने इसे देख लिया था? तो अब आप मेरे को यहाँ पर देखकर बता दीजिए कि इधर में से कौन सा ऑड वन आउट है, इसमें से एक इमोजी जो है वह अलग है। आपके पास सोचने के लिए 5 सेकंड है। तो इसमें तो ऑड वन आउट ये वाला इमोजी है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी मेन वाली रिडल पे। अब यहाँ पर मेरे को आपको देखकर बताना है कि इन सब में से कौन ज़्यादा पागल है। एक तरफ है इमली और उसका बॉयफ्रेंड और दूसरी तरफ है वीर, उसके दादाजी और चिंटू। क्या दोस्तों आप मेरे को यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा पागल है? आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक तरफ है इमली और उसका बॉयफ्रेंड जो कि बाथटब में नहा रहे हैं और वह कुछ ड्रिंक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है वीर और उसके दादाजी और चिंटू। तो दोस्तों मुझे तो लगता है यहाँ पर दोनों ही पागल है, क्योंकि इमली जो है और उसका जो बॉयफ्रेंड है उन्हें जो है बाथरूम लॉक करना चाहिए था, और दूसरी तरफ वीर और उसके दादाजी और चिंटू वह किसी के बाथरूम में ऐसे कैसे घुस सकते हैं चाहे वह ओपन भी हो। तो मुझे तो लगता है यहाँ पर सारे ही पागल है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपने अभी तक IG लॉजिकल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर साइड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, और आप हमारी ये एंड स्क्रीन पर लगी हुई वीडियो भी देख सकते हैं। सो थैंक यू।